आज हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Differentiability of complex function. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के दरमियान में जो रिलेशंस हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की वो क्या है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसमें क्या कहा जा रहा है, गिवन w इज इक्वल टू f ऑफ z बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले हम एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं w इज इक्वल टू f ऑफ z, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, डिफाइन इन आर डोमेन डी, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं डोमेन डी के अंदर, और एंड लेट जी बी एनी फिक्स पॉइंट इन डोमेन, और जी डोमेन में से कोई सा भी है, हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं जी नॉट, देन डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जी इज सेट टू हैव अ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट जी नॉट। तो जो हमारे पास फंक्शन है इसके बाद डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट जी नॉट के ऊपर इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसके अंदर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। The number f dash of z naught is defined by the limit is called derivative. जो हम ये function define कर रहे हैं इसे हाँ जो किससे define हो रहा है limit से, इसको हम derivative का नाम देंगे। अब हमारे पास next हमने function हमें हमारे पास क्या है, function हमारे पास है w is equal to f of z, ठीक है। जब हम इसका derivative लेंगे with respect to z, तो ये f over dz is equal to dw over dz is equal to, ये इसको हम एफ डैश ऑफ जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एट पॉइंट जी नॉट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट। इसी तरह ये सिंपल जैसे हम कैलकुलस के अंदर डिफाइन करते हैं वही डेफिनेशन है सिंपल, यहाँ पर हम जो वेरिएबल लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। और इसी को हम डेल्टा के फॉर्म में भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। और अगर हम इसको एप्सिलॉन के फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं जैसे हमने कंटिन्यूटी को डिफाइन किया, ठीक है, और लिमिट को डिफाइन, इसी तरह से हम डेरिवेटिव को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एप्सिलॉन और उसके साथ पॉइंट पर भी डिपेंड कर रहा है, सच दैट कि इसके जो मॉड वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट माइनस एफ डैश ऑफ जी नॉट, इसकी जो मॉड वैल्यू है वो लेस देन डेल्टा, व्हेन जी माइनस जी नॉट की मॉड वैल्यू जो है वो लेस देन क्या हो, डेल्टा हो, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की इन टर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन, राइट। और ये हमने डेफिनेशन जो है इन कैलकुलस के अंदर भी हम डिफाइन कर चुके हैं, सेम वैसी है, लेकिन यहाँ पर हम जो वेरिएबल लेकर चल रहे हैं जो फंक्शन लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उनको देखते हैं वो क्या है। हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम है जिसमें क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट इफ w इज इक्वल एफ ऑफ जी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर हमारे पास w जो हम ले रहे हैं एफ ऑफ जी वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, राइट। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, प्रूफ में क्या है, गिवन एफ ऑफ जी इज अ डिफरेंशिएबल, हमें दिया हुआ है कि फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, और हम लेट कर लेते हैं इसे कि वो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, z इज इक्वल टू z नॉट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देन बाय डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की है डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी की, उसके अकॉर्डिंग एफ डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट f of z minus f of z naught over z minus z naught
लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट टू प्रूव, हमने प्रूव करना चाहते हैं कि एफ ऑफ जी जो फंक्शन हमने लिया है ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस दैट इज कि हम प्रूव करेंगे तो जो लिमिट है हमारे पास फंक्शन की एफ ऑफ जी, जी अप्रोच टू जी नॉट इज इक्वल एफ ऑफ जी नॉट, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे इसको, ये प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट, उसके लिए हम ये चीज प्रूव करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट, ये हमने उसे कंसीडर किया और इसमें हमने जी माइनस जी नॉट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसकी टेकिंग लिमिट एज जी अप्रोच टू जी नॉट, हमने नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट ले ली दोनों तरफ से। जब लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पर ये चीज फॉर्म बन जाएगी और इसको अलग कर लेंगे और इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास दोबारा अगेन ये डेफिनेशन बन रही है ऊपर डेरिवेटिव की, तो इसलिए हम यहाँ इसकी इसकी जगह पर हमने एफ डैश पुट कर दिया, और यहाँ पर हम जब लिमिट जी को जी को जब हम जी नॉट से रिप्लेस करेंगे तो जी नॉट माइनस जी नॉट ये हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो, और जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और ये जो हमने फंक्शन लिया है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, और ये डेफिनेशन है बेसिकली किसकी कंटिन्यूटी की, तो यहाँ से हम कहेंगे जो फंक्शन हमने लिया है वो क्या है कंटिन्यूस है एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, राइट, कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो वो जरूरी है कि वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा, वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो देन जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास डिफरेंशिएबल हो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब हम इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी तौर पर वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इससे रिलेटेड रिमार्क जो है इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो देन इट इज नेसेसरली कंटिन्यूस फंक्शन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट, कि अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो जरूरी है कि वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। इट मीन्स दैट कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है तो देन जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास डिफरेंशिएबल भी हो। इससे रिलेटेड ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। हम इन एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल जी बार, ठीक है, एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, और दूसरी हमारे पास इसे जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास के डब्ल्यू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, राइट। ये दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं और इसकी हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जी जी बार कंजुगेट। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एट जी नॉट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब इस जो हमने पहला फंक्शन लिया है इसकी जो वैल्यू है पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा जी नॉट बार आ जाएगा, राइट, और ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है। जो हमारे पास कंटिन्यूटी की तीन कंडीशन है वो हम इसके अंदर सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है जी नॉट जो कि फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वो डिफाइन हो रही है। अब दूसरी जो हमारे पास है कि लिमिट हम अप्लाई करेंगे, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो उसमें हमारे पास क्या आएगा जब लिमिट इसको रिप्लेस करेंगे जी को जी नॉट में तो ये हमारे पास जी नॉट बार आ जाएगा कॉन्जुगेट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी कि वैल्यू और लिमिट जो है वो दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो जी नॉट है जी बार, ये हमने फाइंड की है फाइनाइटर, और जो लिमिट है वो भी हमारे पास क्या है जी बार नॉट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट और वैल्यू है दोनों सेम आ रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट जी नॉट के ऊपर, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की जो तीनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आल्सो दिस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट जीरो, यानी कि ये फंक्शन जो हमने लिया है जी बार, राइट, ये हमारे पास इस पॉइंट के साथ साथ जो हमारे पास ओरिजिन है जीरो पर भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, राइट।
इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, वो क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, जो भी हमने शुरू में डिफाइन की उसी को यूज़ करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके जी बार के, माइनस एफ ऑफ जी नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कि जो फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार, ठीक, जी कॉन्जुगेट था। तो इसे हमारे पास जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या किस में रिप्लेस हो जी बार के अंदर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी बार जी नॉट बार के ऊपर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जी वन प्लस माइनस हो रहा है जी टू होल का कॉन्जुगेट, इसको लिख सकते हैं जी वन ठीक है बार और जी टू बार, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ नेक्स्ट यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका होल की बार आ जाएगा, होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा, राइट। अब हम ये z माइनस जी नॉट को हम लेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, h के, और इसके जब हम लिमिट अप्लाई कर अप्रोच करेंगे तो इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो को, h जो होगा वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, राइट, यानी लिमिट भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h बार ओवर h आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो वन होगी अगर हमारे पास h जो है वो रियल होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो माइनस वन होगी जब h इमेजिनरी हो। इट मीन्स दैट कि जब हमारे पास इन्वर्टर वाली फॉर्म होगी उस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और जब हमारे पास जस्ट रियल पार्ट होगा उसमें सिर्फ हमें वन मिलेगा प्लस। देयर फॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट जो है वन और माइनस वन आ रही है, राइट, क्योंकि लिमिट जो है वो यूनिक नहीं आ रही, तो इस वजह से हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस w जो हमने फंक्शन लिया है w इज इक्वल टू f ऑफ z और f ऑफ z इज इक्वल टू z बार इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नॉट बट नॉट डिफरेंशियबल एट z इज इक्वल टू z नॉट, राइट। ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ है z कंजुगेट या z बार, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, ये अभी हमने इसको प्रूव भी किया। अब नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क के अंदर भी क्या है कि फंक्शन जो हमने एट z इज इक्वल टू जीरो जी ओरिजिन के ऊपर जो है द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार जी कंजुगेट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल, यानी कि ये जो हमने फंक्शन लिया है ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल हो सकता है एट ओरिजिन पर, लेकिन जब हम कोई पॉइंट और लेंगे ओरिजिन के अलावा हम कोई और पॉइंट लेंगे तो इस केस के अंदर ये फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये हमने प्रूव भी किया है। लेकिन ये सिर्फ डिफरेंशियबल और क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ओरिजिन पर, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था कि हमने जो लेकर चले थे कि एफ ओ जी इज इक्वल टू जी बार। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है कि फंक्शन जो हमारे पास था जिसमें हमने जी मॉड का स्केयर लेकर चलेंगे और उसमें हम इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास मॉड जी मॉड स्केयर है जिसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी बार। अब हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी एट जी नॉट के ऊपर जो हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ओ जी इज इक्वल टू जी मॉड स्केयर एट जी नॉट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसकी रिप्लेस करेंगे पॉइंट को तो ये हमारे पास जी नॉट मॉड का स्केयर आ जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास कंडीशन लिमिट की वो हमारे कंटिन्यूटी की वो हमारे पास क्या लिमिट है, जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा जी नॉट मॉड स्केयर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू और लिमिट जो है दोनों सेम आ रही है जो कि इक्वल है जी नॉट मॉड का स्केयर है, तो देयरफॉर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट जी नॉट के ऊपर, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की तीनों जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं एट जी नॉट के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हमारे पास जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है शुरू में हमने ली उसी को हम लेंगे, तो ये हमारे पास क्या है कि लिमिट जी अप्रोच टू जीरो जी अप्रोच टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी वो हमने किसी को डिफाइन किया हुआ है, वो हमारे पास फंक्शन है जी मॉड का स्केयर, ठीक है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जी मॉड का स्केयर, ठीक है, और उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर और इधर भी हम रिप्लेस करेंगे जी नॉट मॉड का स्केयर, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड कि हम उसको लिख सकते हैं जी मॉड का स्केयर को लिख सकते जी इंटू जी बार, ठीक है। तो वही हमने इसको प्रॉपर्टी यूज की है और नीचे हमारे पास जी माइनस जी नॉट एज इट आ जाएगा। अब इसके जो ऊपर हमारे पास ये नोमिनेटर है इसके अंदर हम
एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे z बार इनटू z बार z नॉट को फर्स्ट में, और जो इसकी लास्ट टर्म है इसमें से हम z बार को कॉमन ले लेते हैं, और जब हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास z माइनस z नॉट बच जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे किसको z नॉट को, तो इधर हमारे पास z बार माइनस z नॉट बार आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग डिवाइड कर देते हैं, ये आपस में दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आएगा z बार आ जाएगा सिंपल, और इधर हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट है इसको हम लिख सकते हैं z का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट, यानी इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज की है कॉन्जुगेट्स की, ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। और इसके बाद नेक्स्ट हम टेकिंग ले रहे हैं कि z माइनस z नॉट इज इक्वल टू एच, राइट, लिमिट हमारे पास z से z नॉट, और h जो होगा वो अप्रोच करेगा जीरो को जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास z बार प्लस z नॉट इंटू ये हमारे पास क्या आएगा h बार ओवर h, राइट। जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखते हैं वो क्या स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इफ h इज रियल, हमारे पास जो h है वो अगर हम रियल लेंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास f डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू z बार प्लस z नोट आ जाएगा, और अगर हम इफ एच इज इमेजिनरी, अगर हम इमेजिनरी लेकर चलेंगे तो इस केस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन एफ डैश ऑफ जी आएगा वो इक्वल टू जी बार माइनस जी नॉट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो है लिमिट जो है वो सेम नहीं आ रही, राइट। तो यहाँ से कहेंगे एज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन जो है वो इज नॉट डिफरेंशियबल एट z इज इक्वल z नॉट, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है z नॉट के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन यही इट इज अ कंटिन्यूस, यही हमने चेक किया शुरू में कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड रिमार्क है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई द कंटिन्यूटी, राइट, कि अगर कोई फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लाजमन वो कंटिन्यूस होगा अगर वो डिफरेंशियबल है तो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो इंप्लाई करेगा नॉन डिफरेंशियबल, यानी कि अगर कोई फंक्शन आपके पास वो डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है तो इस केस के अंदर वो हमारे पास डिफरेंशियबल नहीं हो सकतेगा, वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, राइट। उसके बाद नंबर टू जो है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल, अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब जैसे अभी हमारे पास ये फंक्शन के हम दो लिए थे एग्जांपल, एक हमने z बार लिया है और दूसरा हमारे पास z मॉड स्क्वायर है, अब ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी हैं डिफरेंशियबल भी हैं किसके ऊपर ओरिजिन के ऊपर z एट z इज इक्वल टू z नॉट, यानी कि अगर हम ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट लेंगे उस पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो होंगे लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम ओरिजिन लेंगे तो देन ये कंटिन्यूस भी हैं और डिफरेंशियबल भी हैं ओरिजिन पर, राइट। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास डिफरेंशियबल हो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो लाजमन जो है वो कंटिन्यूस भी होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी डिफरेंशियबिलिटी की, फिर हमने स्टूडेंट इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल थी उनको डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।